अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द स्लेट क्लास ऑफ फिजिक्स ए लेवल्स सो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर ऑफ़ ए लेवल्स फिजिक्स व्हिच इज पेपर 5 राइट सो योर पेपर्स कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 एंड पेपर 5 व जो पेपर 5 इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बिकॉज इसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है आर यू एबल टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट एट योर ओन और नॉट ठीक है सो बेसिकली अगर आपके ओ लेवल्स की और ए लेवल्स के सारे कॉन्सेप्ट की बेस अच्छी होगी ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चन ठीक है सो पेपर फाइव कंसिस्ट ऑफ थर्टी मार्क्स बट इट हैज इक्वल परसेंटेज एज द परसेंटेज ऑफ प्रैक्टिकल ठीक है, है 11.5% का और पेपर फाइव भी 11.5% का है और paper ये ये बहुत बहुत पूरा पूरा होता है. ये paper बहुत time -competitive paper है. ज़्यादा ठीक है सो so, इसका ब्रेक डाउन ये है कि देर आर टू क्वेश्चन इन क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन को आंसर करना होता है ठीक है आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होता है आपने देखना होता है कि आप इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कैसे सेट करेंगे और कैसे अपने रिजल्ट करेंगे ठीक है और क्वेश्चन नंबर टू में आपको डाटा को एनालाइज करते हुए ग्राफ ड्रॉ करना होता है और फिर वेरिएबल्स और उनकी अनसर्टेनिटीज को मैनुपलेट करना होता है राइट सो इन क्वेश्चन नंबर वन इट कंसिस्ट ऑफ फिफ्टीन मार्क्स राइट सो जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से सबसे पहले यू डिफाइन अ प्रॉब्लम Generally you identify what are the independent variables what are the dependent variables and all of the variables under, uh, other than independent and dependent variables are referred as control variables you have to keep them constant throughout the experiment okay. then you define the methods of data collection this include k independent variable co or dependent variable which you measure, which instruments involved कौन सी कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड होंगी एंड देन आप अपनी गिवन इक्वेशन को या गिवन रिलेशनशिप को प्लॉट कैसे करेंगे एंड हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट एंड अननोन्स ठीक है और एडिशनल डिटेल में यू टेल के हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ठीक है अच्छा इसका ब्रेकडाउन मैं आपको साथ-साथ बताता जाऊंगा सो so, वी आर अटेम्प्टिंग

जो कुछ पढ़े हैं उसको शाबाश। डायग्राम के साथ यू विल रिलेट ठीक है ये एरिया ए आप डायग्राम में देख सकते हैं सो बेसिकली तो क्रॉस सेक्शन है सर्कल और अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़े तो आप कौन सी अप्लाई करेंगे 1 .1. So जिसके ऊपर एक मेटल बार इस तरह से प्लेस की हुई है इक दिस ठीक है ओके अ मेटल बार हैज स्क्शनल एरिया नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू थिंग्स सिलेंड्रिकल कंडक्टर का क्रॉस एक्शनल एरिया जो है सर्कुलर है और जो उनके ऊपर मेटल बार प्लेस की हुई है उस मेटल बार का क्रॉस एक्शनल एरिया एक स्क्वेर की फॉर्म में है ठीक है मेटल बार हैज Square cross sectional area with sides of length y. Okay? So, as you can see in this diagram, ki jo square cross sectional area hai, is ki each dimension is y. Right? Okay. For each conductor, the distance between the end C, as you can see in the diagram, end C, and the center of metal bar L is L. राइट सो डिस्टेंस जहां से कंडक्टर स्टार्ट हो रहा है और जहां पर आपने मेटल बार प्लेस की है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल एल द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ कंडक्टर इज एक्स ठीक है एक कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स ओके मूविंग ऑन द एंड सी आर कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई एंड करंट इज आई इन द कंडक्टर इज मै सो बेसिकली पावर सप्लाई कनेक्ट किया है तो ये एक पूरा सर्किट बन रहा है तो आप कंडक्टर uh, के अंदर करंट फाइंड आउट करने के लिए यू विल टेक द हेल्प ऑफ दिच मीटर ठीक है एंड वॉट इफ यू टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्रॉस कंडक्टर तो आप बैटरी के क्रॉस या कंडक्टर के क्रॉस वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं याद रहे कि एम मीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को यू कनेक्ट इन पैरल राइट ओके इट इज सजेस्टेड दैट करंट इन करंट इज रिलेटेड टू लेंथ बाय द रिलेशनशिप ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू आर फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड लेंथ राइट सो यू हैव टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ दीज टू वेरिएबल वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि परफॉर्मर के जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर है, उसके कंट्रोल में है वो अपनी मर्जी से, से सेट कर सकता है

So, E is basically the EMF which has been provided because it is given in the next line. E is the electromotive force of the power supply. What is P and Q? P and Q are constants. And we have seen L is this length. थीके? Then you have X in the equation. X is the distance between two conductors. You have A which is the cross sectional area of circle, uh, cylindrical conductor. थीके? And Y y square is basically the area of this rectangular this bar which has been placed between the two cylindrical conductors so plan a laboratory experiment to test the relationship between i and l you have to find out the relationship between this current and this length of the conductors from the starting point to the center of this rod okay so बेसिकली क्या है कि जब आप लेंथ वेरी करेंगे तो इसके अंदर करंट वेरी होगा सो वॉट यू हैव टू कनेक्ट एज थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं यहां पे आप एक पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे इसके साथ एक एमीटर आएगा यू कैन एड एन अ स्विच और इस तरह से आपका सर्किट कंप्लीट होगा ठीक है जस्ट टू चेक कि आपकी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है यू कैन कनेक्ट अ वोल्ट मीटर इन पैरल बिकॉज इफ वी आर फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड लेंथ वी हैव टू कीप ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट की बैटरी की एमएफ को भी कांस्टेंट रखेंगे आप डिस्टेंस एक्स को भी कांस्टेंट रखेंगे आप एरिया ए को भी कांस्टेंट रखेंगे और आप इस बार के क्रॉस सेक्शनल एरिया को विच इज वाई स्क्र इसको भी कॉन्स्टेंट रखेंगे तो ओनली थिंग दैट यू विल इज लेंथ एल आप सिर्फ लेंथ एल को वेरी कर सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने करंट की वेरिएशन देखनी है ठीक है और किसी भी चीज को आप वेरी नहीं कर सकते बिकॉज इफ यू आर फाइंडिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम वेरी करेंगे दैट इज कैपिटल एल इन दिस केस वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि लेंथ की वेरिएशन से वेरी करेगा ठीक है एंड वी हैव टू कीप ऑल अदर वेरिएबल्स ऑल अदर कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ठीक है सो so, लेंथ को वेरिएशन करने से क्या सेटअप में चेंज आ रहा है सो so, बेसिकली जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ये वाला डिस्टेंस जो कि ट्रैवल कर रहा है करंट वो ज्यादा होगा जब ओवरऑल लेंथ ज्यादा ट्रैवल करनी पड़ेगी तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और कम करंट फ्लो होगा सो समहाव आई नो दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ नाउ हैव अ लुक एट इक्वेशन लेंथ इस इक्वेशन के न्यूमिनेटर में आ रही है और करंट इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में आ रही है सो दे हैव एन यूनिवर्स रिलेशनशिप जो कुछ हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिलेट करें डेफिनेटली जब कैपिटल एल लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ ट्रैवल करनी पड़ी है करंट को वो ज्यादा लेंथ है जब ज्यादा लेंथ कवर अप करनी पड़ेगी तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी और करंट कम होगा सो बेसिकली इट्स माई प्रोडिक्शन के जब

ठीक है दिस लेंथ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट कैन वेरी लेंथ वट यू हैव टू डू इज आप इसको यहां से प्लेस करके बार को यहां पर प्लेस करेंगे यहां से प्लेस करने के बाद आगे प्लेस करेंगे और जैसे ही आप इसको प्लेस कर रहे हैं आप लेंथ वेरी कर रहे हैं यू कैन मईर दैट लेंथ यूजिंग अ रूलर राइट सो बेसिकली वेरिएशन इन लेंथ के साथ करंट वेरी हो रहा है ठीक है सो लेंथ इज इनडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वॉट इज डिपेंडेंट वेरिएबल करंट एज डिपेंडेंट वेरिएबल करंट एज डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है सो ऑल अदर वेरिएबल आर कैप्ट कॉन्स्टेंट इसका मतलब है मैं पहले भी बता चुका हूं आपका एक्स भी कॉन्स्टेंट रहेगा ए भी कॉन्स्टेंट रहेगा वाई भी कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है और सप्लाई वोल्टेज भी कॉन्स्टेंट रहेगी सो बेसिकली जो नीट डायग्राम है वो नीचे आपको दिखाऊंगा मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आगे जाके यू हैव टू एनालाइज द डाटा जो कि मैं आपको यहीं पे करके दिखाऊंगा नाउ ही इज आस्किंग यू टू प्लान अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड एल राइट सो वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि लेंथ जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके रिजल्ट में करंट वेरी होगा करंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग अरेंजमेंट ऑफ योर ऑपरेटस राइट इन अवमेंट इन अवमेंट हम इसके प्लेटस को ड्रॉ करने लगे हैं एक्सप्लेन हाउ द रिजल्टी एंड क्यू ठीक है वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू ठीक है सबसे पहले आप अपनी गिवन इक्वेशन को मेन्यूपलेट करें रीअरेंज करें और इसको लीनियराइज करें इसका मतलब है यू हैव टू री अरेज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विच इज वाईक्वल एम एक्स प्लस सी So, the given equation is E equals, sorry, E over I is equal to 2PL over A plus QX over Y square. Right? Now, point out the independent variable. Now, independent variable is this length L, and dependent variable is I. Okay? आपको इस बात का पहले से भी पता है कि यू ड्रॉ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली यू ड्रॉ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलॉन्ग एक्स एक्सेस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अलॉन्ग वाई एक्सेस। सो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है और इस साइड पर आपको सिर्फ आई या आई की को, कोई फॉर्म चाहिए जनरली दिस विल बी इन दिस केस इट विल बी वन ओवर आई ठीक है तो आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ ई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन सो वॉट आई विल डू इज मैं e को दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड करवा दूंगा सो so, यहां पर रह जाएगा वन ओवर आई इज इक्वल टू टू पी ओवर ई ए प्लस क्यू एक्स ओवर वाई स्क्वायर ए ठीक है और यहां पर लेंथ आ जाए सो नाउ यू कैन सी क्या आई कैन रिलेट दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज एम एक्स प्लस सी राइट अच्छा तो आप कौन सी दो क्वांटिटीज का ग्राफ प्लॉट करेंगे यू विल बी प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ x एक्सिस के अलोंग लेंथ को प्लॉट कर लेंगे y एक्सिस के अलोंग वन ओवर i को प्लॉट कर लेंगे देन बाय द कंपैरिजन मेथड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट जो लेंथ का कॉफिशेंट है जनरल इक्वेशन के साथ कंपेरिजन के साथ टू पी ओवर ई ए दिस विल बी वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट वैल्यू ऑफ वाई बी इक्वल टू ग्रेडियंट जनरली रिप्रेजेंट होता है में से. ठीक है यहां पर आपको कह रहा है यू हैव टू वैल्यू ऑफ अननोन्स विच आर पी एंड क्यू ठीक है सो पी किसके इक्वल होगा वंस यू हैव द्राफ इन फ्रंट ऑफ यू पी विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय टू ठीक है अच्छा यू आल्सो हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्यू तो क्यू फाइंड आउट करने के लिए वाई इंटरसेप्ट की हेल्प लेंगे वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्यू एक्स ओवर वाई स्क्वेर ए सो क्यू को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लें क्यू इज इक्वल टू सी वाई स्क्र ए डिवाइडेड बाई एक्स ठीक है ओके पी जिस कॉन्स्टेंट के इक्वल है दिवाइडेड बाय टू वेर एम एज ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ ई इज एफ ऑफ द पावर सप्लाई ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिवाइडेड बाय कॉन्सटेंट टू ठीक है सिमिलरली क्यू इज इक्वल टू सी विच इज द ग्राफ Y square where y square is the cross-sectional area of a straight conductor, is square cross-sectional area. This go up the top place. This one. This metal bar. I'm talking about this metal bar, which has a cross-sectional area of y square. Right? So a is the area of once again the cylindrical conductor, and x is a constant distance between the two parallel bars. राइट सो मूविंग ऑन टू द डायग्राम इस डायग्राम में क्या आएगा आप खुद से बताइए यू नीड अ इंस्ट्रूमेंट टू मैर वोल्टेज एंड करंट ठीक है एंड यू नीड अनदर इंस्ट्रूमेंट टू द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ एल ठीक है ओके करंट किस इंस्ट्रूमेंट से मैयर होगा एब मीटर से कॉन्स्टेंट वोल्टेज को मॉनिटर तो करना है ना कि इट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट तो उसको कैसे मैयर करेंगे डेफिनेटली यूजिंग अ वोल्ट मीटर ठीक है एंड टू मई द वैल्यू ऑफ लेंथ यू नीड अ रूलर मीटर रूल ठीक है सो अब से इस पे गौर करें दिस इज अग्राम इन फ्रंट ऑफ यू राइट सो जो चीजें इसमें एज इट इज आ गई हैं वो है ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स राइट दिस मेटल बार विच हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया विच हैज स्क् राइट वॉट इन दिस डायग्राम इज अर्किट जो कि पावर सप्लाई कर रहे करंट को मैयर कर रहे और वोल्टेज को मैयर कर रहे हैं एंड वी आर मैरिंग स्टार्ट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर टू द सेंटर ऑफ दिस मेटल बार ठीक है और इसको मैयर करने के लिए यहां पर इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट एंड दूमेंट इज मीटर रूल कॉन्स्टेंट डिस्टेंस एक्स को भी लेबल किया है याद रखना अगर आपने ये एरिया ए कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप इस रॉड का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ठीक है और उसको हाफ करेंगे विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड फॉर द एरिया यू विल अप्लाई द ऑफ पाई आर स्क्वायर ठीक है अच्छा अगर आपने ये लेंथ वाई फाइंड आउट करनी है इसको प्रोसीजर में आपने क्लियरली हाईलाइट करना है कि लेंथ वाई विल बी कैलकुलेटेड सॉरी मई यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एस स्क्रू गेज एंड हेर You can see that I have shown the position of I at an angle of 90 degree with the ruler. Why? You all know that this is to provide, uh, sorry, to prevent which error, parallax error. So moving on, for first two marks, you define the variables, and this include which variable is independent variable, which variable is dependent variable, and which variables you have to keep constant throughout the experiment. So what was the independent variable in this case? जस्ट सॉ दैट लेंथ एल वॉज वेरिएबल और जैसे हम लेंथ को वेरी कर रहे थे तो सर्किट के अंदर करंट वेरी हो रहा था सो करंट इन द सर्किट और करंट इन द कंडक्टर इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी हैव टू की ई एम एफ ऑफ द सर्किट राइट सो मैंने जनरल लिखा है कि आप एक कंडक्टर लिखें सॉरी एक वेरिएबल लिखे विच इज कंट्रोल्ड दैट इज ई ऑफ द सर्किट इसके अलावा आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ए भी लिख सकते थे इसके अलावा आप डिस्टेंस एक्स भी लिख सकते थे डायमेंशन ऑफ मेटल बार जो टॉप पे प्लेस की है वाई उसको भी कॉन्सेंट रखना है बट कोई एक मैंशन करना है सो वन ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज ई राइट सो द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोसीजर और याद रखना जो आपने डायग्राम ड्रा की है उसके प्रोसीजर को नीचे एक्सप्लेन करना है इन अ पैराग्राफिक फॉर्म नॉट इन द बुलेट पॉइंट्स अगर आप बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा लेट सपोज आपका एक वर्ड आप एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो नेक्स्ट लाइन पे सिर्फ एक वर्ड जा रहा है सो so, सिर्फ उस एक वर्ड की वजह से आपकी पूरी लाइन ज़ाया होगी याद रखना बच्चों पेपर फाइव में स्पेस कंस्ट्रेंट होता है इस वजह से आपने स्पेस को यूटिलाइज करना है दैट्स वाई यू राइट इन अ पैराग्राफिक फॉर्म अच्छा टोन कौन सी रखनी

एक्सपेरिमेंट इज इन योर माइंड के आपने डिस्टेंस एल को वेरी करके सिंपली एम मीटर से करंट की वैल्यू को मैयर करना है सो so, प्रोसीजर में यू टेल के आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरह से वेरी करेंगे जस्ट बाय प्लेसिंग रॉड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरह से वेरी करेंगे और कंट्रोल्ड वेरिएबल को किस तरह से मैयर करेंगे ठीक है अच्छा सो so, सी जरा जरा ध्यान से देखिए सेटअप इन द डायग्राम आपकी डायग्राम पिक्चर परफेक्ट होगी आपने उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यू विल जस्ट ऐड अ लाइन दैट सेट अप द अपरेटस एज शोन इन द डायग्राम अबव मेजर द लेंथ ऑफ साइड्स वाई ऑफ द मेटल बार यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ठीक है जब भी कोई मेजरमेंट इन्वॉल्व होगी उसके कोरेस्पोंडिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने जरूर मेंशन करना है कि यूज दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज अगर इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं है तो फिर आप सिर्फ मैयर कर रहे हैं आप इंस्ट्रक्ट ही कर रहे हैं कि आपने क्या करना है सो वन थिंग इन माइंड इज जहां पर भी मयरमेंट आएगी फॉर एग्जाम्पल दयरमेंट ऑफ टाइम तो आपने साथ मेंशन करने की यू विल बी यूजिंग स्टॉप वॉच टू मैयर टाइम राइट सो अब आपको साइड वाई क्यों चाहिए बिकॉज फर्दर यू नीड कैलकुलेशन में आपको वाई की वैल्यू चाहिए वाई होगा तो उसको कैलकुलेशन में यूज कर सकेंगे ना आगे देखिए शाबाश मैर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स बिटवीन द सिल्ड्रिकल कंडक्टर नाउ विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज विद रूलर राइट एक्स भी आपको फर्दर कैलकुलेशन में चाहिए आपने पी और क्यू वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं ना तो उसकी कैलकुलेशन में आपको वाई भी चाहिए कैलकुलेशन में आपको एक्स भी चाहिए नाउ मयर द डिस्टेंस L जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फ्रॉम द मीटर रूल क्लोज द स्विच अब आपने स्विच क्लोज करके सर्किट को ऑन कर दिया है नाउ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थोड़े से माइन्योर से टाइम के बाद करंट स्टेबल हो जाएगा और उस करंट को आपने किस इंस्ट्रूमेंट से मैयर करना है एम मीटर राइट क्लोज द स्विच एंड मयर द करंट फ्रॉम एम मीटर ठीक है तो याद रखना यहां पर इंस्ट्रूमेंट्स आ ही जा रहे हैं पहले आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू फिर आपके पास रूलर आया अब एम मीटर आ गया एज द रीडिंग रीडिंग स्टेबल जैसे ही आप सर्किट को ऑन करते हैं एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है और थोड़ी सी देर बाद थोड़ा सा लैग आता है तो जब रीडिंग स्टेबल हो जाएगी आपने तब स्टेबल रीडिंग को मैयर करना है मेक श्योर दैट ई एम एफ इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट राइट तो जो आपने बैटरी लगाई है उसको रिप्लेस नहीं करना अगर उसकी ई एम एफ वेरी हो रही है तो यू कैन अटैच वेरिएबल रजिस्टर इन अ पाथ और वेरिएबल रजिस्टर की रजिस्टेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करके आप EMF को कॉन्स्टेंट कर सकते हैं मैर ई ना वंस अगेन ई एम एफ ई इज नीडेड फॉर द कैलकुलशन और इस केस में आप किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेंगे यूजिंग अ वोल्ट मीटर रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल बाय प्लेसिंग अ मेटल बार एट डिफरेंट पोजिशन रिकॉर्ड द डाटा इन द टेबल बिलो ठीक है नाउ यू हैव दिस टेबल आपने सारा कुछ इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि हाउ यू विल वेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाउ यू विल मैर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाउ यू विल मैर द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज कारंट इन दिस केस एंड हाउ विल यू कीप ऑल द कंट्रोल वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ठीक है सो इन द टेबल यू हैव द वैल्यू ऑफ लेंथ इन मीटर्स ठीक है जिसको आपने रूलर से मैयर किया डिपेंडेंट वेरिएबल करंट है I1, I2, I एवरेज शो करें बिकॉज आप यहां से एग्जामिनर को ये वाली सेंस कन्वे कर रहे हैं कि आपको एवरेजेस का पता है कि यू हैव टू टेक राइट ओके इसके बाद यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वन ओवर ना और उसका यूनिट होगा एम्पेयर माइनस वन नाउ द एनालिसिस ऑफ डाटा जैसा कि मैंने आपको टॉप पे करके दिखाया जो आपकी गिवन इक्वेशन थी आपने उसको रीअरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज वाइज एम एक्स प्लस सी so this equation says that 1 over i is equal to 2 p over ea length plus qx over e y square right now you can compare your equation using an equation of straight line y axis per kya plot karenge 1 over i x axis per kya plot karenge length right so gradient of your graph will be equal to 2 p over ea and y intercept would be equal to qx over e y square right so Plot a graph of 1 over i against length. Graph must be a straight line with gradient. Up the exact comparison method say 2p over EA and y-intercept qx over ey square. So your gradient is 2p over EA and your y-intercept is qx over e y square. Right? So

किन दो क्वान्टिटीज का ग्राफ प्लॉट करेंगे उस ग्राफ की शेप कैसी होगी जनरली इट्स इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रो रीजन द वैल्यू ऑफ इट्स इट्स ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट और उस ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट को यूज करते हुए आपने पी और क्यू की वैल्यू जो अननोन है उसकी वैल्यूज को यहां पर मैंशन कर दिया याद रहे कि आपने प्रोसीजर में ही बता दिया था कि आपने किस तरह से ई e को मैयर करना है ए को मैयर करना है और वाई स्क्वेर और एक्स को किस तरह से मैयर करना है नाउ This analysis part consisted of 3 marks now for 1 mark you have to give the value of safety precaution yaad rahe ke current ke flow se aapka setup heat up ho sakta hai and there is also a chance of electric shock because aapke conductors bare hain insulated nahi hai, right so safety precaution is wear insulated gloves to avoid burn from the hot metal conductor or you can, you, you can say that uh, use insulated gloves to prevent electric shock ठीक है नाउ फॉर फाइव मार्क्स यू हैव टू गिव फाइव एडिशनल डिटेल्स राइट सो ये एडिशनल डिटेल्स को आप पॉइंट्स की फॉर्म में दें अच्छा है अदरवाइज आप पैराग्राफिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं नाउ दिस इंक्लूड ऑल द एडिशनल प्रोसीजर्स जो हमने ऑप्ट करने थे और उनको हम प्रोसीजर में नहीं लिख सके या वो सारी की सारी चीजें जो कि आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को इंप्रूव कर सकती हैं ठीक है जिससे आपके रिजल्ट और बेहतर आएंगे फॉर एग्जाम्पल हमने एरिया यूज तो किया कैलकुलेशन में उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि उसको किस तरह से या किस फॉर्मूला से मैयर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे सो द फर्स्ट एडिशनल डिटेल इज यूज द रिलेशनशिप पाए डी स्क्र बाय फोर फॉर एरिया ऑफ द कंडक्टर सो बेसिकली ये एरिया इज इक्वल टू ही है आर की जगह आपने लिख दिया डायमीटर बाय टू और जब इसको आपने एक्सपैंड किया दिस बिकेम पाए डी स्क्वेयर बाय फोर तो so बेसिकली ये वो चीज है जिसको आप मेन प्रोसीजर में एक्सप्लेन नहीं कर सके प्रोसीजर बहुत ज्यादा हो जाना था सो यू सेव्ड इट फॉर लेटर क्या आप उसको एडिशनल डिटेल में लिखेंगे एरिया इक्वल्स पाई डी स्क्वेयर बाय फोर फॉर एरिया ऑफ द कंडक्टर सेकेंड पॉइंट देखें सो द सेकंड पॉइंट इज दैट यूज सेट स्क् टू मेक श्योर दैट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स इज कॉन्स्टेंट राइट सो so, जहां पर आपने कंडक्टर्स को प्लेस किया है हर पॉइंट पर उसका डिस्टेंस कॉन्सेंट होना चाहिए यू कैन चेक दैट यूजिंग सेट स्क् थर्ड पॉइंट इज सोल्डर द कनेक्टिंग वायर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक मेटल रॉड के साथ आपने वायर को कैसे कनेक्ट करना है आइदर यू विल यूज अ क्लिपिंग मेथड और यू विल सोल्डर द वायर ताकि आपका वायर का और इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का एक फर्म कनेक्शन हो लूज कनेक्शन होगा तो करंट भी फ्लक्चुएट करेगा और स्पार्किंग का भी चांस है विच इज नॉट गुड फोर्थ पॉइंट इज यूज सेंसिटिव एमीटर टू रिड्यूस परसेंटेज इन द वैल्यू ऑफ करंट ठीक है हो सकता है बहुत कम कम करंट फ्लो हो रहा हो ठीक है तो उस कम करंट की वजह से उसके अंदर अनसर्टेनिटी उतनी ही लार्ज होगी सो यू हैव टू यूज अव एम मीटर ताकि आपके मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो जितनी ज्यादा प्लिसन होगी उतनी अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम होगी एंड द फिफ्थ पॉइंट इज अच्छा बच्चों इन पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को खुद भी सोचना है ठीक है फिफ्थ पॉइंट इज यूज अ प्रोटेक्टिव रजिस्टर जो भी मेटल रॉड्स और उसके ऊपर आपने एक बार प्लेस किया और मेटल्स मेटल्स की है, की हैं जनरली रेजिस्टेंस बहुत लो होती है तो बड़ा हाई करंट फ्लो करेगा सर्किट में सो टू लिमिट द करंट आप सीरीज में एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दें जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और नेट करंट ड्रॉप हो जाएगा करंट लिमिट हो जाएगा उससे हीटिंग इफेक्ट भी कंट्रोल होगा ठीक है जब हीटिंग इफेक्ट कम होगा तो आप एक तो बेहतर रिजल्ट आएंगे बिकॉज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा लो टेम्परेचर हो जाएगा ठीक है और दूसरा यह फायदा होगा कि आप बर्न्स भी अवॉइड कर सकेंगे सो यूज अ प्रोटेक्टिव रेजिस्टर टू अवॉइड हाई करंट एंड टेम्परेचर राइज ऑफ वायर्स ठीक है वायर का जब टेम्परेचर राइज होगा इज अ चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग दर इज अ चांस ऑफ बर्निंग ऑफ वायर्स ठीक है अच्छा आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस के अलावा कोई और एडिशनल डिटेल्स भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं कि जिस टाइम के लिए आप रीडिंग ले रहे हैं सिर्फ उस टाइम के लिए स्विच क्लोज करें और रीडिंग लेने के बाद स्विच ओपन कर दें ताकि आपका सर्किट हीट अप होने से प्रिवेंट हो एंड यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट एट कॉन्सेंटरेचर सो आई थिंक दिस इज इनफ इन्फॉर्मेशन टू डू क्वेश्चन नंबर वन सो एक क्वेश्चन नंबर वन से आपको कुछ नहीं आने वाला दिस वॉज वन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो मैं और पेपर्स अपलोड करता रहूंगा सो कीप फॉलोइंग स्लेट दिस इज इट फॉर टू क्लास थैंक यू